हरियाणा का ज्ञान देने से क्या लेना देना, हरियाणा का आदमी ना ज्ञान लेता ना देता। एक बार हमने कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण जी से ज्ञान ले लिया था, उसके बाद से ज्ञान लेना बंद कर दिया। भाई जिसने कृष्ण जी से ज्ञान ले लिया हो वो आजकल के इन आलतू फालतू बाबाओं से ज्ञान लेगा क्या? आजकल के बाबाओं की स्थिति आपको पता ही है। वो मेरे दोस्त का फोन आया, बोले घर के मंदिर में आसाराम का फोटो लगा रखा था, अब क्या करूं? मैंने कहा उतार के बेडरूम में लगा ले। बोले वहां तो पहले से नारायण दत्त तिवारी की लगी हुई है। अच्छा जिन्हें टीवी पर मौका नहीं मिलता वो बाहर ढूंढते फिरते हैं। वो हरियाणा में एक बाबा जी सुबह से परेशान, कोई मिला ही नहीं जिसे ज्ञान दे सके। सुबह से शाम हो गई तो शाम को देखा एक छोरा हाथ में दिया जलाए आ रहा है। बाबा ने सोचा मिल गया मौका, बोले बेटे तुम्हें पता है ज्योति कहां से आती है? बाबा ने सोचा ये जवाब देगा और मैं प्रवचन। लेकिन छोरा हरियाणा का था जी, उसने मारी दिए के फूंक। बोले बाबा ये बताए ज्योति गई कहां? बे कमाल है भाई, तो हमारा तो प्रवचन से कोई लेना देना है ही नहीं जी। वो क्लास में टीचर गणित पढ़ा रहे थे तो उन्होंने एक बच्चे से कहा, बोले मान लो तुम्हारे पास 10 लड्डू हैं। बोले कैसे मान लू जब है ही नहीं? बोले मान लो गणित में माना जाता है। बोले माना जाता तो मान लिए। 2 लड्डू मैंने ले लिए तो कितने बचे? बच्चा बोला जी 20। बोले ये कौन सा गणित है? बोले गणित में तेरी माननी जाएगी बस। हमारी भी मान ले भाई। हरियाणा में तो प्रेम ब्याह के बाद होता है ना जी। भाई ब्याह से पहले प्यार कर ले तो हम तो पेड़ पे ही लटके मिलते हैं। हमारे यहां प्रेम सबसे मुश्किल काम है। वो एक लड़के ने एक लड़की से कहा, बोले मैं तेरे से ब्याह करना चाहता हूं। तो लड़की बोली पुराना तरीका है, किसी नए ढंग से प्रपोज कर। तो लड़का बोला ईसा है तू मेरे छोरे से अपनी चिता में आग लगवाना पसंद करेगी? विवाह का ये मौलिक प्रस्ताव ये हरियाणा में ही संभव है जी। तो हमारा तो प्रेम बिल्कुल अलग है जी। वो मेरा एक दोस्त मिला, उसके दोनों होठ बुरी तरह जले हुए। मैंने कहा होठ कैसे जल गए? बोले पत्नी मायके जा रही थी, स्टेशन छोड़ने गया था, मारे खुशी के इंजन चूम लिया। वो मेरे एक दोस्त हैं प्रहलाद जी, उनकी पत्नी का अपहरण हो गया तो अपहरणकर्ता ने पत्नी के उंगली काट के साथ में चिट्ठी भेज दी, बोले 50 लाख रुपए भिजवा दो वरना डैश डैश डैश। मेरे मित्र ने वापस चिट्ठी लिखी, बोले उंगली किसी की भी हो सकती है, मुंडी भेज मुंडी। ऐसे उंगलियों के बहकावे में भी नहीं आते जी। तो हमारा प्रेम बिल्कुल अलग है। वो एक ने अपने दोस्त को फोन किया, बोले शिमला जा रहा हूं, पत्नी को साथ लेके जा रहा हूं, सोच रहा हूं जाते हुए से किसी खाई में धक्का दे दूं। तो दोस्त बोला यार मेरी वाली भी ले जा। बोले ले तो जाऊंगा, अगर बुरा नहीं माने तो उसे वापसी में धक्का दे दूं। हमारे प्रेम की बिल्कुल अलग स्थिति है जी। और ये प्रेम हमारे मनुष्यों का क्या, पशु पक्षियों तक का ऐसा है। वो मेरा एक दोस्त है जी, उसने तोती पाली। हाँ दुनिया तोता पालते हैं, तोती पाली। 3 दिन के लिए से कहीं बाहर जाना था, बोले यार क्या करूं, कौन दाना पानी देगा, बड़ा चिंतित हूं। मैंने कहा मेरे घर छोड़ जा, 2 तोते हैं उन्हें दाना पानी देता हूं, इसे भी दे दूंगा। बोला भाई तेरे 2 तोतों के बीच अपनी तोती छोड़ दू ना। मैंने कहा नहीं यार मेरे तोते बड़े धार्मिक हैं, तो खुद देख ले आके। अच्छा उसने देखा बकायदा गीता के श्लोक पढ़ रहा, एक कुरान की आयतें पढ़ रहा, बोले बड़े धार्मिक है, कोई खतरा नहीं है। उसने तोती छोड़ दी। जैसी तोती पिंजरे में गई तो एक तोते ने दूसरे को कोहनी मारी। अरे बोले पूजा पाठ बंद कर, दुआ कबूल हो गई। तो हमें पता है जी हम कितने धार्मिक हैं। जब हम मंदिर जाते हैं जूते ऐसी जगह उतारते हैं जहां से भगवान भी दिखते हैं और जूते भी।
बल्कि जूतों का दिखना ज्यादा जरूरी है। हाँ, भगवान तो कल भी वहीं मिलेगा। तो हमारा धार्मिक मामला बिल्कुल अलग है। वो एक हरियाणा का बूढ़ा मरण हो रहा था। अच्छा, आपको हरियाणा में वृद्धाश्रम की भी समस्या नहीं मिलेगी। हरियाणा में अगर बूढ़े को पता लग जाए कि बेटा मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ के आने वाला है, तो बाप खुद बेटे को अनाथालय छोड़ गया है। बोले जमा कर लो, इसने मेरा ना आई हो। तो हमारी संस्कृति थोड़ी अलग है। वो एक हरियाणा का बूढ़ा मरण न हो रहा, तो एक ने पूछ लिया, बोले मरण न हो रहा, अब तो राम का नाम ले ले। अरे बोले के नाम ले लू, 15 मिनट बाद आमना सामना ही ना हो लेगा। तो हमारी धार्मिक स्थिति भी अलग है जी। दरअसल क्या है, हरियाणा अलग तरह का प्रदेश है, बहुत मस्त प्रदेश है। क्योंकि हरियाणा का आदमी फुर्सत में रहता है, इसलिए हास्यरस में रहता है। हास्य के लिए थोड़ी फुर्सत चाहिए। वो एक ने रिक्शे वाले को आदमी बोले खाली है, बोले हाँ, बोले आप फिर ताश खेलते हैं। इतनी फुर्सत जरूरी है जी। वो एक ने रिक्शे वाले से कहा, बोले स्टेशन चलेगा, बोले हाँ, बोले कितने पैसे, बोले 25 रुपए, बोले ये तो रहा स्टेशन। अच्छा, मैं पैसे कम कराने होते हैं, जगह को पास बुला लेते हैं। बोले ये तो रहा स्टेशन। रिक्शे वाला बोला हाथ नीचे कर ले, वरना रेल के नीचे आ जाएगा। तो ये अलग मस्ती है जी, और ये मस्ती जीवन में रहनी चाहिए। दरअसल क्या, हरियाणा का आदमी साफ रहता है बिल्कुल, जो मन में है वही जबान पे है। वो प्रदीप जी, एक का मुकदमा चल रहा था, तो एक ताई गवाही के लिए आई। अच्छा, दोनों वकील उसी के गांव के। तो एक ने पूछ लिया, बोले ताई मुझे जाना है। अरे खूब जानू हूं, गुलाब सिंह का छोरा है तू, एक नंबर का झूठा, तेरी लुगाई तक तुझे छोड़ के चली गई थी। बेचारा वो सकते में आ गया। उसने दूसरे वकील की तरफ इशारा कर दिया, बोले इसे जाना ताई, खूब जानू हूं, करनैल काणे का छोरा है यो, एक नंबर का याश, तेरी लुगाई से भी इसका चक्कर था। अब साहब, जज ने कोर्ट स्थगित करी, अपने चैंबर में गया, दोनों वकील बुलाए, बोले खबरदार ताई से मेरे बारे में कुछ पूछ लिया तो। साफ मामला है जी, बिल्कुल। बहुत अच्छे। कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। हरियाणा में तो डर के आगे भी हास्यरस है। वो एक चौधरी सुनसान जंगल से जा रहा था, सामने से 25-30 साल की एक महिला, सफेद साड़ी पहने, बाल बिखराए, हाथ में दीप जलाए, कहीं दीप जले कहीं दिल टाइप गाना गाती आ रही थी। पास आके बोली, मैं चुड़ैल हूं। तो चौधरी बोला, फिर चिपटती क्यों ना। बताओ, ऐसे का चुड़ैल भी क्या कर लेगी।